बड़ी खुशी की बात है कि जो 3 साल से हम सब मिलकर एक प्रयास कर रहे थे कि जो गेमिंग है, चाहे वो कैसीनो के अंदर हो, हॉर्स रेसिंग के अंदर हो, बेटिंग में हो, लॉटरी में हो और ऑनलाइन गेमिंग पे हो, अगर कहीं भी पैसा इस्तेमाल होता है उसको हाईएस्ट टैक्स कैटेगरी में डाला जाए। और आज मेजॉरिटी मेंबर्स की सहमति से इन सब चीज़ों को 28% के जीएसटी स्लैब में डालने का सहमति बनी है। मैं ये मानता हूँ इसमें देश को भी बहुत बड़ा रेवेन्यू आएगा और जो इलीगल टैक्स इवेजन हो रही थी उसको हम बड़े अच्छी तरीके से रेगुलराइज कर पाएंगे। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, क्योंकि हरियाणा के अंदर भी कई कंपनीज हैं, उनकी भी हमारे पास सुझाव आए थे कि हमें मल्टी टैक्स ना किया जाए, तो यही निर्णय लिया गया है कि फेस वैल्यू पे 1 टाइम 28% टैक्स किया जाएगा और उसके ऊपर अगर कोई विन्स होती है, कमीशन ली जाती है, प्लेटफॉर्म फी होती है, इन पे कहीं भी टैक्स दोबारा नहीं लगेगा। एक सुझाव हरियाणा की तरफ से था और उसको भी आज सहमति दी गई है कि अगर इस तरह के ट्रेड परचेजेस में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होता है तो उसको लॉ कमीशन मॉनिटर करे और उसको भी रेगुलराइज करे, जिसके ऊपर आज काउंसिल ने सहमति दे दी है कि अगली काउंसिल की बैठक तक क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेडिंग होगी इस तरह के विषयों के अंदर, बेटिंग के अंदर, उसको हम पूरी तौर पर मॉनिटर कर उसके ऊपर भी रेगुलेशन लाने का काम करें। साथ में कोई विदेशी कंपनी इस तरह के देश के अंदर ऐप्स चलाती है तो उनको देश के अंदर अपना एक एजेंट डिक्लेयर कर पूरी तरह देश के कानून के साथ सिंक अलोंग करना पड़ेगा कि वो टैक्स इवेड ना कर पाए। मुझे खुशी है कि इससे जो ऑनलाइन गेमिंग पैसे से करी जाती है उसको हम बहुत हद तक रेगुलराइज कर पाएंगे। हरियाणा ने पीछे भी 3 कंपनीज़ को नोटिसेज इशू करे हैं और एक कंपनी तो ऐसी थी जिसका 250 करोड़ का ड्यू ऑनलाइन गेमिंग पे बनता था और आज हमने प्रोसीड किया तो वो सरकार को टैक्स समय अनुसार आए। देखिए, जो मेवात के अंदर घटना हुई, हरियाणा सरकार ने गंभीरता के साथ उस पर एक्शन लिया, पैरामिलिट्री भी डिप्लॉयड हुई, IRB की परमानेंट बटालियन भी वहाँ पर डिप्लॉयड है और आज सिचुएशन कंट्रोल में है। दिल्ली के हमारे बदरपुर बॉर्डर पर जरूर आज एक छोटा सा धरना दिया गया टोल प्लाजा के ऊपर, उसको भी समय अनुसार खुलवा लिया गया। अभी तक सारा पीसफुल जो हमारी टोलियां बनाई गई थी उनने भी पीस मीटिंग्स करी हैं और मैं मानता हूं कि शांति बनाने के लिए हम सब अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाएं तो अमन शांति वैसे भाईचारा हमारा बना रहे। जो घटना हुई है उसको अलग अलग तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है, 40 से ज़्यादा FIR हो चुकी है, 100 से ऊपर लोगों को पुलिस कस्टडी में लेकर 90 से ज़्यादा को अरेस्ट भी कर लिया गया है और जो लोग तोड़फोड़ में शामिल थे, हिंसा फैलाने में शामिल थे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार। मैंने बड़ी क्लियरली कहा था कि कितने लोग आएंगे, उस नंबर्स की क्लैरिटी नहीं थी। दूसरी चीज, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस किसी कारण से छुट्टी पे थे और जो ऑफिसर्स इंचार्ज थे वो उसको प्रॉपरली असेस नहीं कर पाए सिचुएशन को कि क्या घटनाक्रम होगा। उसके बाद ADG लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी लगाएगी, SP भिवानी को एडिशनल चार्ज दिया गया, तुरंत उस पर एक्शन भी लिया गया, सिचुएशन कंट्रोल में। देखिए, चूक की बात नहीं है, घटना किसने उकसाई है, कैसे उकसी है, कितने दिनों से अलग अलग प्रकार के मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से
ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बना है, और उसके उपरांत किस दिन आकर ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि हिंसा उस एरिया में हुई, सबको असेस करने के लिए टीम्स लगा दी गई हैं, सारा मॉनिटर करके ही इस पर कोई बात कही जाए ज़्यादा बेहतर। सर, मोनू माने सर की एक वीडियो जो वायरल हुआ था जिसके बाद में एक पक्ष कह रहा है कि हमें इसी के बिना पे सारी जो उत्तेजना हो गई है, क्या हमने कोई एक व्यक्ति के वीडियो से पूरा घटनाक्रम नहीं हुआ, ये चेन ऑफ इंसिडेंट्स हैं, इसके अंदर पॉलिटिकली भी इन्वॉल्व लोग हैं और ऐसे सोशली इन्वॉल्व लोग भी हैं जो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, उन सब को प्रॉपरली हम मॉनिटर कर रहे हैं, और मैंने पहले दिन भी कहा था आज भी कह रहा हूँ, जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। मोनू माने सर का जी उसके दो लाख ये कह रहा है कि इंटेलिजेंस ने पूरी जानकारी की रूट की रैकिंग कर दी थी, आपको लगता है कि क्रिकेट क्लब की जानकारी के बावजूद पुलिस की लापरवाही हुई है? क्योंकि मैं पहले दिन भी बोल चुका हूँ आज भी बोल चुका हूँ, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसकी जिम्मेवारी होती है जिले के अंदर वो उस दिन छुट्टी पर थे, नेक्स्ट इन कमांड जो थे वो इसको प्रॉपरली असेस नहीं करे, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंक्वायरी, वी विल इंक्वायर एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। इस तरह की इंडिकेशन आप दे रहे हैं, माने सर का आपने जिक्र किया, आपने कहा कि पॉलिटिकली भी कुछ लोग जिस तरह से लांबा जी, मेरे को लगता है मेरे से बेहतर आप लोग जानते हैं, वीडियो एविडेंसेस हमारे से ज़्यादा आपके पास है। पिछले दो महीने में इन घटनाओं में किन किन लोगों ने किस किस तरह के बयान दिए हैं, उन सबको असेस करके ही इसका रिजल्ट निकलेगा कि ये एडिंग फ्यूल टू द फायर कैसे हो। अरे भाई, एक आदमी के कहने से इतना बड़ा जो हादसा हुआ है ये नहीं हो सकता, इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं, उन सब के जो ऑडियोज़ है, वीडियोज़ है, सोशल मीडिया पे इम्प्रिंट्स है, उसको पुलिस प्रशासन देख रहा है, और मैं ये मानता हूँ चाहे वो आप जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हो वो हो, चाहे कोई भी व्यक्ति आज सरकार में हो वो हो, अगर किसी के भी बयान से ये एग्रीगेट किया गया है, लॉ विल टेक्स इट ऑन कोर्स, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। मेरे खिलाफ रिएक्शन करने से जो घटना घटी है और जिस तरह से हिंसा हुई, लोगों की दुकानों को, मकानों को, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, मैंने पहले दिन भी कहा कि सारी फोर्स को एक जगह डिविएट किया गया, एडिशनल फोर्स शहर में जो बुलानी चाहिए थी वो समय अनुसार नहीं बुलाई गई, और आपने देखा होगा कि हिंसा भी जो हुई वो स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं हुई, उस हिंसा का इनिशिएशन शहर के अंदर हुआ और शहर से वो फिर फैलाव हुआ, शहर में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे और कैसे ये घटनाक्रम हुआ, सबसे प्राथमिक जांच तो उसकी हो रही है। पहले होता था मेवात में कभी कभी छुट्टी घटनाएं होती थी, सिर्फ मेवात तक सीमित रहती थी, इस बार जो पैटर्न है, पलवल का जिक्र कर सकते हैं, सोहना का कर सकते हैं, जींद में भी बहुत छोटी मोटी चीज़ें कुछ हुई, मतलब ये फैल क्यों रहा? देखिए, ये कोई एक प्रदेश स्पेसिफिक चीज़ तो नहीं है, मेवात के साथ लगते हुए राजस्थान में भी घटना हुई है ऐसी, और अगले दिन ही हुई, उत्तर प्रदेश में भी हुई, और आज धीरे धीरे ये जो सोशल कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, रिलीजियस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, इसको अगर हम सब मिलकर रिजॉल्व नहीं करेंगे तो बढ़ेगी। आज हमारे देश में ये सीमित नहीं है, जापान में आपने देखा पीछे ऐसी घटनाएं हुई, रिसेंटली फ्रांस के अंदर हुई, जर्मनी के अंदर हुई, और मिडल ईस्ट के साथ लगते हुए सभी देशों में निरंतर हम देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है इसको ज़्यादा हम एग्रीगेट करने की बजाय अगर इसका सलूशन निकाले और ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मांग के रिजॉल्व कराए, तभी जाकर आगे वाले भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं।